निशानी क्लासेस की ओर से आप तमाम छात्रों को मेरा शुभकामनाएं। बिहार सिविल कोर्ट से एक वैकेंसी निकला है जो बहुत ही अच्छा है। आपको नौकरी बिहार में ही करना है, बिहार से कहीं बाहर जाना नहीं है। और उतना ही नहीं, ये वैकेंसी जो है वो जिला स्तर पर भी है। जिस जिला को आप चूज कीजिएगा उसी जिला में आपको ड्यूटी मिलेगा। तो और ये इसका फॉर्म भराना 20 सितंबर से चालू है। आप लोग जल्दी से इसको फॉर्म भर दीजिए। आपको हम दो ऐसे ही चार पोस्ट के लिए निकला है, दो पोस्ट के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी जॉब प्रोफाइल प्यून या अर्दली भी इसको कहते हैं। इसमें देखिए पोस्ट टोटल है 1673 यानी 1673। इसका सैलरी है यानी इसका जो वेतन है वो है 18,000 से 56,900 तक है। सैलरी भी आपको बहुत अच्छा है। क्वालिफिकेशन रखा गया है मैट्रिक पास, यानी योग्यता मैट्रिक पास है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है दो चरणों में है। पहला पीटी एग्जाम होगा जो जिसमें गणित से सवाल पूछे जाएंगे, वो भी कुल सब ऑब्जेक्टिव रहेंगे। गणित से जो मैथ से जो सवाल होगा वो 35 नंबर का, इंग्लिश है 15 नंबर का, हिंदी है 35 नंबर का, प्लस इंटरव्यू भी 15 नंबर का है। इसमें अमूमन जो मैथ इंग्लिश हिंदी पूछे जाएंगे वो मैट्रिक स्तर का ही रहेगा। इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा क्योंकि मैट्रिक स्टैंडर्ड का है, तो इंटरव्यू 15 नंबर का रहेगा। कार्य के बारे में इसको बताते हैं। कार्य जो इसका है वो ऑफिस में है। ऑफिस का जो साज सज्जा है, ऑफिस का मेंटेन है, झाड़ू बहारू देना है, दिलवाना है, ये सब कार्य आपको रहेंगे। और डिस्ट्रिक्ट आपका जो है, इस कार्य के बाद जो वहाँ के पदाधिकारी रहेंगे उनके द्वारा जो वक्त बेवक्त जो कार्य दिया जाएगा वो करना पड़ेगा। ड्यूटी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज है। आप जिस जिला को चयन कीजिएगा कि हमको इस जिला में नौकरी करना है, वैकेंसी में आपको फॉर्म में दिया जाएगा कॉलम कि हम फलाने जिला में, हम पटना जिला से रहेंगे या हम बेगूसराय से रहेंगे, वो जिला आपको देना है। जिस जिला में दीजिएगा, याद रखिए जिस जिला में आप दीजिएगा अभी फॉर्म भरने के बाद उसी जिला में आपका नियुक्ति होगा। तो ये रह गया, इसका फिर से देख लीजिए। पोस्ट 1673, सैलरी है 18,000 से 56,900। इसके अलावा अन्य भत्ता जो बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है वो रहेगा। आपका पोस्टिंग जो होगा, पोस्टिंग दो जगह हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा और अनुमंडल कोर्ट में भी होगा। अनुमंडल कोर्ट जो व्यवहार न्यायालय होता है वहाँ आपका होगा, और जिला में भी कोर्ट है, जिला कोर्ट में भी होगा। और वो भी जो आप भरिएगा कि हमको कहाँ करना है, किस जिला में करना है, जिला चूज करना है, फिर समझ लीजिए पीटी होगा। पीटी में मैथ 35 नंबर का है, इंग्लिश 15 नंबर का, हिंदी 35 नंबर का, और इंटरव्यू दूसरा स्टेज आता है। इंटरव्यू भी होगा जो इंटरव्यू
15 नंबर का होगा। कार्ड आपका ऑफिस मेंटेनेंस है तो आप अच्छे से तैयारी करके पढ़ लीजिए, ये नहीं समझिए कि ये प्यून का है, हल्का फुल्का देखेंगे तो हो जाएगा। इस बहाली में भी कम से कम हमको ऐसा लग रहा है कि प्यून में भी 5 लाख से ऊपर लड़का भरेंगे, तो उसके अनुसार आपको तैयारी करना है। अगला देखिए, दूसरा पोस्ट है, ये जो प्रोफाइल क्लर्क का है, क्लर्क में 3,325 पोस्ट है, सैलरी 25,500 से 81,100 है। इसमें क्वालिफिकेशन स्नातक रखा गया है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस परीक्षा आपको 3 चरणों में दिया जाएगा। पहला चरण है पीटी यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसमें जीके रहेगा 25 नंबर का, आपको मैथ रहेगा 25 नंबर का यानी गणित 25 नंबर का, इंग्लिश 25 नंबर का रहेगा और हिंदी भी 25 नंबर का रहेगा। ये पीटी में रहेंगे यानी प्रारंभिक परीक्षा में 100 नंबर का होगा, जो जीके मैथ इंग्लिश और हिंदी सारे प्रश्न 25-25 नंबर के पूछे जाएंगे। दूसरा है मेंस आ जाइए, मेंस भी रिटेन एग्जाम होगा जो 85 नंबर का होगा। रिटेन एग्जाम मेंस में 85 नंबर का होगा। दूसरा होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू जो है ये तीसरा स्टेज है इंटरव्यू, तीसरा स्टेज इंटरव्यू है जो इंटरव्यू 15 नंबर का होगा। फिर अगला है कंप्यूटर टाइपिंग यानी कंप्यूटर टेस्ट, चूंकि ये वैकेंसी क्लर्क का है, ऑफिस वाला जॉब है, आपको जो मजिस्ट्रेट होंगे जज साहब होंगे उन्हीं के ऑफिस में आपकी ड्यूटी होगी, चार्ज है। और चौथा है इंटरव्यू, इंटरव्यू भी आपको लिया जाएगा। उसके बाद आपका होता है 10 साल के बाद, बिहार सरकार में 10 सालों के बाद प्रमोशन होता है, तो इनका प्रोसेस प्रमोशन का है। प्रमोशन में भी एग्ज़ाम लिया जाएगा प्लस इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों लेने के बाद आपको प्रमोशन होगा। आपको सैलरी भी बहुत अच्छी है, सैलरी देख ही रहे हैं। इसके अलावा इस सैलरी के जो 25,000 लिखा गया है, इसके अलावा महंगाई भत्ता, हाउस रेंट जो भी बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है, समय समय पर आपको प्रमोशन दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें और ये समय चूकने नहीं दें, इसमें मन लगा करके पढ़ें। मन लगा कर नहीं, आप एक बात देखिए, आदमी काम करने के लिए, बहुत आदमी एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ जाता है अपना नाम और काम के लिए, तो आप भी कोशिश करें, अथाह परिश्रम करें। आबादी जनसंख्या विस्फोट है, 125 करोड़ है इंडिया की आबादी, तो 125 करोड़ में वैकेंसी कितना है, कहीं से भी किसी जिला से भर सकता है लोग, किसी स्टेट से भर सकता है और भरता है। आप लोग भी बिहार से यूपी जाते होंगे, एमपी जाते होंगे, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसको अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना एक सीट को पक्का कीजिए। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपका एक सीट पक्का हो जाए। धन्यवाद।